Arun Javed from Punjab Group of Colleges, Town of Campus. असूल बेच के मसलक खरीदने वालों निगाहे अहले वफा में बहुत हकीर हो तुमसे। वतन का पास तुम्हें था न हो सकेगा कभी, अपनी हिस्स के बंधे हुए बेसलीम हो तुम। सदरे अली वफा करप्शन ना बदयानती और बदकारी का मक्कारी और गद्दारी का नाम है मुल्की बकार सलामती को खतरे में डालने का, मुल्की मशरत को नीस्तो नाबूद करने का और मुल्की जड़ों को खोखला करने का। इस्लाम के नाम पर बनने वाले इस मुल्क में जहां अदल और इंसाफ का कयाम होना था, जहां महमूदो अयाज को एक ही सफ में खड़े होना था, जहां नारा तकबीर बुलंद होना था, आज वहां करप्शन का राज है। वो रिश्वत शैतानी हो या सिफारिश, हवस परस्ती हो या दर परस्ती, किसी का माल दफ्तर करने की इजाजत हो या किसी के हक पर टक्का डालने की नियत, फर्द की जाती जिंदगी से लेकर अपराध की इज्तमाई जिंदगी तक सबके सब करप्शन के जाल में फंसे हुए हैं कि मदारत के भूखे, अमारत के भूखे, निजामत के भूखे, सदारत के भूखे, गद्दी नशी और मखदूम भूखे, करात की दौलत से महरूम भूखे, जमीनों पे काबिज ये भूखे, बड़ेरे मकीनों पे काबिज ये दाखिल लुटेरे, हवस फिर भी जिनकी उतरती नहीं है, भूख भूखों की मर्जी नहीं है, भूख भूखों की मर्जी नहीं है। सवाल मेरे कानों के पर्दे से टकरा कर मेरे जहन में उभरता है, क्या है पाकिस्तान? जवाब आया, शहीदों के लहू से सींचा मुल्क है पाकिस्तान। लेकिन अफसोस, सद अफसोस, मेरे इस्लाम ने शहीदों का लहू बुला दिया, माओ के बहते आंसुओं, बहनों के नंगे सरों और बूढ़ों के बेबस चेहरों को बुला दिया। और वजह क्या है? करप्शन। आली बका, आज मेरी जमीन बिलक रही है, ये धरती आहों बका कर रही है, गरीब गुरबत की सूली पर लटक रहा है, दरगाहों कलंदर ताना ताना दिख रहा है और हम जवान वजीर होते चले जा रहे हैं। आज इस कौम का बच्चा बच्चा पुकार पुकार कर कहता है, जिस देश के कूचे कूचे में अफलास आवारा फिरता हो, तो धरती उबलती हो, दर्द फलक से गिरता हो, जहाँ भूखे नंगे बच्चे आहो पर पाले जाते हो, जहाँ सच्चाई के मुजरिम भी संता में डाले जाते हो, उस देश के पैसों को आजादी मुबारक हो, उस देश के पैसों को आजादी मुबारक हो। अली बका, करप्शन बढ़ती चली जाती है और नारा ये लगाया जाता है कि हम आजाद हैं, हालांकि हमको सिर्फ करप्शन करने में आजाद है हमारे इस मुल्क में। हाँ, वो आजाद है, वो आजाद है इस मुल्क की इज्जत और तकदीर की धज्जियां उड़ाने में आजाद, इस मुल्क को नीलाम करने में आजाद, और वो आजाद है इस मुल्क की इज्जत और तकदीर की धज्जियां उड़ाने में आजाद, इस मुल्क की मशरक के टुकड़े टुकड़े करने में आजाद। करप्शन का सद्दबाब तभी होगा जब दौरे खिलाफत जैसा निजाम अदल कायम होगा, जब इंसान तो इंसान दरिया पर किसी कुत्ते की मौत पर भी हुक्मरानों के दिल खोपे खुदा से लड़ जाएंगे और आवाम बदनवाली के खात्मे के लिए कायम करदा इदारों के शाना बशाना खड़े होकर आवाजें एहतजाब बुलंद करेंगे। सर